स्लिपवे को पूरी तरह से खूबसूरत बनाने के लिए वहां पर अब रोशनी का प्रबंध किया जा रहा है, जिस कारण वहां पर इलेक्ट्रिक पोल लगाए गए हैं ताकि इस स्टोर पर पूरी तरह से रोशनी भी रहे, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, जिसके चलते कि दुकानदारों और लोगों ने विधायक अमित विज और मेयर का धन्यवाद किया। खंभे का काम स्टार्ट हो गया जी, खंभे लगने चालू हो गए, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो नाल खंभे लगन की वजह नाल ही ट्रैफिक ऑटोमेटिक तुर पिया, मतलब हूँ स्लिपवे चालू हो गया। तो हूँ खंभे उत्ते लाइटा लगन गियाँ जड़ियाँ, मतलब होर रात को चमकन गियाँ, यदि टोर बनेगी रोड की और रोड बहुत वधिया हो जाएगा। अभी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि यह रोड का काम जरा, मतलब खंभे का काम चल रहा। ये पोल जोड़े लग रहा, ये काम बहुत वधिया हो रहा, ये तुहाडे पत्रकारां दी सदका ही इस काम छेती अमल में लिया गया एम एल ए नज़रों में करके। इस करके अं एम एल ए का भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने पत्रकारों का भी धन्यवाद करते हाँ। ये काम बहुत वधिया हो रहा, इसनों एम एल ए साहब ने लाइट लाइन का नाँ दिता गया सी, पर असं कहने इसनों लोग कल लाइटा वाला रोड कहना शुरू कर देना इन्हों लोगों ने कल इस नवे नाँ से शुरू होएगा रोड, और बहुत वधिया काम चल रहा है। हजे काफ़ी काम होने वाला है, इन्हों पोलों पर रंग होना है, पेंट होना है, लाइटा लगनियाँ ने, काफी काम होना और काम बढ़िया हो रहा, ठीक हो रहा। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर डीएलएम रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।